नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। रणबीर कपूर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म एनिमल को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म बीते दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है। संदीप रेड्डी वागा निर्देशित फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि ग्लोबली बम्पर ओपनिंग की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने नॉन हॉलीडे पर सबसे बड़ी ओपनर बनकर इतिहास रच दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि एनिमल ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। एनिमल का फीवर पूरी दुनिया पर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है। फिल्म के मेकर्स ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ की दमदार ओपनिंग की है। मेकर्स ने एक पोस्टर को शेयर कर लिखा कि हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनिंग, दुनिया भर में कुल कमाई 116 करोड़, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बम्पर कमाई कर एनिमल ने शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जी हां, बता दें कि पठान ने वर्ल्ड वाइड 106 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि एनिमल शाहरुख खान की ही जवान का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई। जवान का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 125 करोड़ के आसपास। बता दें कि एनिमल मेघना गुलजाल की पीरियड फिल्म ड्रामा सैम बहादुर के साथ रिलीज हुई है, जिसमें विक्की कौशल ने लीड रोल प्ले किया है। हालांकि एनिमल ने सैम बहादुर को बॉक्स ऑफिस पर काफी पीछे छोड़ दिया है। सैम बहादुर ने पहले दिन लगभग 6 करोड़ कमाने में कामयाब रही। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड ही नहीं बल्कि देश भर में ही और दुनिया भर में रिलीज के पहले दिन बम्पर ओपनिंग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल ने रिलीज के पहले दिन सभी भाषाओं में कुल 61 करोड़ का कलेक्शन किया है और हिंदी भाषा में अकेले 50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ एनिमल ने शाहरुख खान की फिल्म पठान, जो 57 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब थी, उसको पीछे छोड़ा है। गदर 2, जो 40 करोड़ रुपए कमाए थे, उसको पीछे छोड़ा और टाइगर 3, जिसने 44 करोड़ के आसपास कमाया था, उसके भी रिकॉर्ड को चकनाचूर कर सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि एनिमल का डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल ने अहम रोल प्ले किया। ये फिल्म सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हुई है। फिल्म को CBFC ने ए रेटिंग दी है और इसका रन टाइम 3 घंटे 21 मिनट है। यानी कि पहले दिन की बम्पर कमाई के बाद अब देखा जा रहा है, अब ये देखना होगा कि जो एनिमल है आने वाले दिनों में क्या कितनी कमाई करती है और कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट एनिमल वर्सेस सैम बहादुर पे। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।